तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ माइंड में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं यहाँ पर एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है पूरी और भंडारे वाले आलू की, जिसको खाने के लिए हम कभी ना कभी लाइन पर ज़रूर लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं कैसी बनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू, 3 हरी मिर्च और कम से कम 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं यहाँ पे। इन सारी चीज़ों का ही हमने अच्छा से एक पेस्ट बना लेना है। ये जो ग्रेवी है, ये जो सब्ज़ी है, हम बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से बनाएंगे, लेकिन इसमें वही फ्लेवर आएगा जो अक्सर हमें बाहर खाने को मिलता है। यहाँ पे आलूओं को हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। ये लगभग 6 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको हमने ऑलरेडी उबाल लिया है। कुछ यहाँ पे पिसे हुए मसाले हमने लिए हैं, जिसमें से 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी, 1 चम्मच के करीब धनिया, आधा चम्मच के करीब हमने लाल मिर्च और लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने आमचूर यहाँ पे लिया है। ये लगभग 3 टेबल स्पून सरसों का तेल है, जिसे हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है। और उसके बाद हमने आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा, 2 तेज पत्ता और यहाँ पे 1 जो है छोटी इलायची ऐड करी है। ये ऐड करने के बाद लगभग 1 से आधा मिनट तक आपको इसको चला लेना है, ताकि जीरा जो है अच्छी तरीके से भुन जाए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लगभग आधा चम्मच के करीब आपको हींग ऐड करनी है। हींग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में, क्योंकि हींग से ही जो है इसको एक अच्छा फ्लेवर मिलता है और ये एक्चुअल में भंडारे वाली सब्ज़ी लगती है। हींग ऐड करने के कुछ सेकंड बाद ही हमने जो टमाटर हैं, जिनको हमने ऑलरेडी पीस लिया है, वो ऐड कर रहे हैं। और इन टमाटरों को अच्छी तरीके से जो है हमें भूनना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टमाटर का जो कलर है इस समय ऑरेंज है। हमें टमाटरों को तब तक भूनना है जब तक इनका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि जो टमाटर है उनका कच्चापन बिल्कुल चला जाएगा और ग्रेवी हमारी जो है एकदम परफेक्ट बनेगी। और टमाटर को ऐड करने के तुरंत बाद ही आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेना है। तो आलू जो हमने ऑलरेडी उबाल लिए थे, उनको ठंडा होने के बाद हमने मैश कर लेना है। तो ज़्यादा बारीक उनको मैश नहीं करना है, थोड़े से बड़े पीसेस उनके रखने हैं, जैसे हमें भंडारे वाली सब्ज़ी में देखने को मिलते हैं। आपको बीच बीच में टमाटरों को चलाते रहना है, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नीचे कढ़ाई में ना लगे और जले ना। तो यहाँ पे टमाटरों को 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। जो हल्दी और मिर्च धनिया की जो क्वांटिटी थी जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, वो हम सारी ऐड कर देंगे इसमें। सारे मसाले ऐड करने के बाद हमें इन्हें लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनना है लो फ्लेम पे, या तब तक भूनना है जब तक इनमें से तेल अलग जो है वो ना हो जाए। तो मसाले पक जाने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, जिनको हमने ऑलरेडी क्रश कर लिया था। और इस मसाले के साथ लगभग हमें 1 से 2 मिनट तक इनको पकाना है, फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इनको फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ जो है ये उस तरीके से नहीं लगेंगे जिस तरीके से हमें चाहिए। तो आपको 1 से 2 मिनट तक मसालों के साथ पकाना है और उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है।
तो यहाँ पे लगभग 2 मिनट तक मसालों के साथ भूनने के बाद अब इसमें हम जो है पानी ऐड करेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी थिक ग्रेवी इसमें रख सकते हैं। अब इस मोमेंट पे जो है हमें आमचूर पाउडर ऐड कर लेना है हमारी ग्रेवी में। ये ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो है एक अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है जो हमें अक्सर भंडारे वाली सब्ज़ी में मिलता है, जिसे हम पसंद करते हैं इतना और इतना चाव से खाते हैं। तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है। तो ये ऐड करने के बाद अब हमें इस ग्रेवी को लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाना है और उसके बाद हमारी ये जो भंडारे वाली सब्जी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो भंडारे वाली आलू की सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और ये वैसी ही दिख रही है और वैसी ही इसमें से खुशबू आ रही है जैसे हमें अक्सर भंडारे वाली सब्जी में खाने को मिलती है जब हम बाहर खाते हैं। तो जैसे ही तैयार हो जाए इसको गार्निश कीजिए थोड़े से हरे धनिए के साथ। आपके पास अगर गरम मसाला है तो वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। वो हमने ऐड कर लिया था लेकिन वो पार्ट हम मिस कर गए आपको दिखाना, बट आप उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों सब्ज़ी के बाद अब हम यहाँ पे अपनी पूरियाँ तल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है आटे को थोड़ा सा हार्ड गूंद लिया था और तेल जो है आपको थोड़ा गर्म रखना है पहले ही और मीडियम हाई फ्लेम पे ही ये कुकिंग करनी है ताकि आपकी जो पूरियां हैं वो अच्छे से फूलें कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये पूरी कितनी अच्छी तरीके से फूली है और कितनी अच्छी फ्लफी लग रही है। तो आप इसी तरीके से जो है अपनी पूरियां बनाइएगा। तेल को जो है आपको गर्म रखना है जैसे ही आप पूरी इसमें डालते हैं, तो ताकि वो एकदम से फूल जाए। तो दोस्तों हमारी पूरी और भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।